हाय हेलो एना ड्यूसर फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, हाल ही में हुए बीटीएस और बाइडेन की मीटिंग के चर्चे पूरी दुनिया में है और इस टाइम पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल में ये न्यूज जरूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड, हमारे इंडिया के बिगेस्ट न्यूज चैनल जी न्यूज के डीएनए में सुधीर चौधरी के द्वारा बीटीएस के इस मीटिंग के बारे में बताया गया है और उन्होंने ये भी बताया है कि अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहती है, उसे भी एंटी एशियन हेट क्राइम को खत्म करने के लिए सॉफ्ट पावर बीटीएस की जरूरत पड़ गई। तो फ्रेंड, बात यह है कि एशियन में भेदभाव की वजह से 10,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसके मदद के लिए बीटीएस को उन्होंने व्हाइट हाउस पर बुलाया और वो अपने देश में एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को रोक नहीं पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि बीटीएस की सॉफ्ट पावर अमेरिका के सुपर पावर को मात दे रही है। और इस मुलाकात में एक व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें बीटीएस के सभी मेंबर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की बजाय अपनी मातृभाषा का यूज किया है और ऐसा करके उन्होंने अपनी कोरियन भाषा को एक इंटरनेशनल मंच दिया है और अपने कंट्री के कल्चर और ट्रेडिशन को भी प्रमोट किया है। और अगर बात इंडिया की करें तो आज भी हमारे कंट्री में लोग अपने मातृभाषा में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसके अलावा बीटीएस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने रिपोर्टर मौजूद हुए जितने कि बाइडेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होते हैं। बीटीएस के लोकप्रियता का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले साल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बीटीएस को यूएसए में अपने कंट्री के स्पेशल इवोनी अपॉइंट किया था और इन्हें राजनीतिक पासपोर्ट भी दिए थे। हालांकि फ्रेंड, साउथ कोरिया ये जानता है कि उनकी केपॉप वाली सॉफ्ट पावर किसी भी मिसाइल से ज्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। थैंक यू। घमसानिदा।